हाँ तो गैस हम पहुंच चुके हैं, कहाँ आए भैया? बैन गंगा ब्रो, झाटू आ जा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम मौजूद हैं पुरे के पास, और मेरे साथ है रोहित नारायण और मैं, और जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं भाई? तो हाँ, तो जगह का नाम तो बता। गंगा धाम। गंगा धाम। तो गाइस चलिए आपसे हम वहीं मिलते हैं। 20 से 25 मिनट का लगभग समय लग चुका है हमें कुरै आने के लिए, और अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप के, और क्योंकि हमें गाड़ी पे पेट्रोल भराना है। और आज हम लोगों का प्लान है गंगा धाम से सिवनी की ओर जाने का। क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वो हम गाड़ी पे पेट्रोल डलवाने के बाद फुल डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज है स्पेशल डे। और सिवनी तो मैं कई बार गया हूँ, लेकिन गंगा धाम का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ इन लोगों के मुँह से। गाइस हम गाड़ी पे पेट्रोल वेट्रोल डलवा चुके हैं, और अभी हम हैं बारा मोड़ पे, जो कि इस रोड को जाना जाता है NH 44 के नाम से। और आज है मेरा बर्थडे, इसलिए हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो गाइस चलिए अपन मिलते हैं सीधा गंगा धाम पे। नहीं रहा ब्लॉग में आना तो। हाँ तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, कहाँ आए बैन गंगा। और गाइस यहाँ पहुँचने के लिए हमने पता नहीं कितने रास्ते चुने, और इसे गंगा जी के नाम से जानते हैं, पता नहीं है ये लोग गंगा धाम बोल बोल के कहाँ कहाँ ले गए घुमाने के लिए। और हम यहाँ बड़े ही मुश्किल में रास्ता ढूंढ ढूंढ के पहुँचे हैं, मतलब पूछ पूछ के पहुँचे हैं। तो चले गए हम थोड़ा यहाँ फ़ोटो वीडियो ले लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये है अपने भगवान, जो कि अभी कचरे काड़ी में आराम कर रहे हैं, और इनकी इज्जत मंदिर में भी नहीं है, अब क्या बोले। हाँ तो चलिए गाइस पैर धो के और नारियल को पानी चढ़ा के आते हैं। और ये जो गाइस पानी है ना, यहाँ स्नान करने से ऐसा सुनने मिला अभी कि पाप धुल जाते हैं, और क्या बोलते हैं गाइस। और ये नज़ारा देखिए कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से, ब्यूटीफुल बोले तो। और चलते हैं अपन दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी। ब्रो झाटू आ जा, वीडियो है भाई। क्या दान धर्म करेगा? हो भाई जय सेवा में चलो, कम से कम कोई तो का नाम तो उछलेगा। ये वहाँ नहीं मार रहा इसलाद। आज हम यहाँ दर्शन करने के लिए इसीलिए आए, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, और प्लान तो कहीं और जाने का था। कहाँ जाने का था? रामटेक और चांदपुर। लेकिन समय को मद्देनजर रखते हुए हमको यहाँ आना पड़ा, और ये हमारा बैकअप प्लान। और सिवनी के लिए निकलते हैं, वहाँ खाना पीना इंजॉय करते हैं, उसके बाद सीधा घर के लिए निकलेंगे। और मैं केक काटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ। हाँ तो गैस हम पहुंच चुके हैं सिवनी, और अभी हम मौजूद हैं दल सागर के पास, और ये तालाब पे पानी सूख चुका है, और गैस यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तालाब के अंदर ही। और क्या कहते हैं गैस, हम फटाफट बस स्टैंड की ओर जाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ आज पब्लिक बहुत ज़्यादा ही दिख रही है, तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा यहाँ से। हाँ तो गैस मैं अभी जा रहा हूँ बिस्लेरी बॉटल लेने के लिए, क्योंकि अभी पानी तो मिलता है लेकिन गर्म, मजबूरी में ठंडा पानी लेना ही पड़ता है, क्या करें। हाँ तो गैस आ चुका है गर्मा गर्म बिरयानी, तो भूख भी बहुत तेज लगी, तो अपन खा लेते फटाफट। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। गाइस वाकई में बिरयानी बहुत ही टेस्टी था, और बिरयानी खाने के बाद गला एकदम अचानक से सूख रहा है, इसलिए हमने स्प्राइट के 2 बोतल भी रख लिए थे, और यहाँ ब्रिज के नीचे पी रहे हैं। और गाइस अपन अब पीछे पीने के बाद सीधा निकलेंगे घर के लिए, और कुरै पे मिलते हैं आपसे।
हाँ तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कुरे और अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप की और क्योंकि हमें लगी बहुत तेज प्यास और पेट्रोल पंप में बड़े ही आसानी से ठंडा पानी मिल जाता है वो भी फ्री में और पानी पी के हम निकलेंगे सीधा घर के लिए। हाँ तो गाइस हम पहुंच चुके हैं धनौली के पास और नारायण भाई को हमने छोड़ दिया उसके गांव पे मतलब घर पे और गाइस मैं अभी जा रहा हूँ नारायण क्या बोलते हैं रोहित भाई को छोड़ने के लिए उसके बाद मैं निकलूँगा अपने घर के लिए। चले गाइस चलते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं घर हम और ये रहा रोहित का कलेक्शन और इसी के साथ करते हैं व्लॉग को अपन यहीं ख़त्म।